ठीक, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये जो कथन ये किसका है बताएं? चार ऑप्शन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये जो नारा है ये किसका है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, और पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, श्री जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए, उन्होंने अपना कार्यभार 11 अगस्त 2022 को संभाला था। श्री जगदीप धनखड़ देश के किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? ये प्रश्न है आपके सामने, 12वें 13वें 14वें या 15वें, ये प्रश्न आ सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। ध्यान दीजिएगा, 2022 MBBC प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। आई रिपीट, जी हाँ, आंसर आपका 14वें क्रम के राष्ट्रपति है। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ जी ने शपथ ग्रहण की राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें शपथ ग्रहण करवाया गया। मूलतः राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं और इन्होंने मार्गेट अलवा को पराजित किया। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में से एक प्रश्न इस बार बना हुआ है आपके एग्जाम में, ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे, बिल्कुल। बस आप ये बताएं कि राकेश शर्मा मूलतः कहाँ के थे, किस राज्य से बिलोंग करते थे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? आंसर है पंजाब, पंजाबी थे हमारे राकेश शर्मा जी। पंजाब राज्य के पटियाला में 1949 में जन्म हुआ था, उसके बाद में 1982 में इसरो तथा सोवियत संघ के जो अंतरिक्ष संगठन है इंटरकॉस्मॉस, उनके मध्य जो एक एग्रीमेंट हुआ तो उसके अंतर्गत राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में पहुँचे थे और वापस लौटे थे, बड़ी अच्छी बात है। कंप्यूटर से रिलेटेड एक प्रश्न है, 1 बाइट में होता है 8 कैरेक्टर्स, 8 बीट्स, 1 शब्द या इनमें से कोई नहीं? जी, 1 बाइट में 8 बीट्स होते हैं, एकदम हलवा प्रश्न है ये। ठीक, ये टेबल ध्यान रखिएगा, मेरा उद्देश्य इस टेबल की तरफ ध्यान दिलाना है, MBBSC का प्री एरिया है ये, पता नहीं कब उठा के पूछते हैं। तो 1 बिट बाइनरी डिजिट है, 8 बिट्स जो हैं 1 बाइट है, 1024 बाइट्स जो हैं वो 1 KB है और 1024 KB 1 MB, इसी तरह से आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की पूरी है ना। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किस क्षेत्र में किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जबलपुर सागर, सागर सीधी, शहडोल उमरिया या उपरोक्त सभी? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर, रीवा, सागर सीधी, शहडोल उमरिया ये वो क्षेत्र है जहाँ पर तेंदुपत्ता संग्रहण होता है, परंतु मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे सर्वाधिक मात्रा में, देश में सर्वाधिक मात्रा में तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जाता है, बीड़ी निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है और प्रमुख जो क्षेत्र है वो जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा, सीधी ये वो क्षेत्र है। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे, है ना, ये पोखरण कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है ये आंसर इसका, राजस्थान, 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण। इससे पहले इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में भी इससे पहले परमाणु परीक्षण हुए थे, तब भी पोखरण में ही किए गए थे हमारे द्वारा, है ना, और ये भूमिगत परमाणु परीक्षण थे, चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय दूसरे। इस ऑपरेशन का नाम रखा था बुद्धा स्माइलिंग अगेन, है ना, इससे पहले जो इंदिरा गांधी के टाइम पे जो परमाणु परीक्षण हुए थे उनको भी कहा गया था बुद्धा स्माइलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? वह कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर साक्षरता दर सबसे बेहतर स्थिति में है? जी बिल्कुल, ये प्रश्न आ सकता है, आंसर है आपका जबलपुर। देखिए 2011 की जनगणना के अगर आंकड़े अभी तक देखें आप तो ये आंकड़े आपको यूँ दिखाई देंगे, जबलपुर में साक्षरता प्रतिशत जो है वो 81.1% मिलेगा, उसके ठीक नज़दीक है इंदौर आपका 80.9%, भोपाल है 80.4%, तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, वह न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले अगर ज़िले देखेंगे तो पहले स्थान पर आ जाएगा अलीराजपुर 36.1% न्यूनतम है ना, फिर आ जाएगा झाबुआ 43.3% और फिर आ जाएगा बड़वानी 49.1, तो इधर अलीराजपुर, झाबुआ और इधर जबलपुर और इंदौर। ठीक, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 आधुनिक भारतीय इतिहास का एक प्रश्न है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये।
पूछा भी गया है, पूछा जा सकता है फिर से। जी, आंसर है आर्य समाज। देखिए, ये समझिए, वैलेंटाइन शिरोल का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया अर्नेस्ट, पुस्तक का नाम है इनका, वैलेंटाइन शिरोल की पुस्तक का नाम है इंडिया अर्नेस्ट। इसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक तथा आर्य समाज को, आर्य समाज संस्था के रूप में और व्यक्ति के रूप में बाल गंगाधर तिलक का नाम लिया था, कि उन्होंने कहा कि भारत में जितनी भी उथल पुथल हो रही है इसके पीछे यही एक संस्था और एक व्यक्ति का नाम इन्होंने लिया था, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, भारतीय अशांति का जनक और भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट, बाल गंगाधर तिलक और आर्य समाज, इन दोनों के लिए। ठीक, इंडियन अर्नेस्ट इग्नियस वैलेंटाइन शिरोल, ये नाम है इनका जिनका चित्र आप देख पा रहे हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा आर्य समाज। तो आर्य समाज एज ए संस्था और व्यक्ति के रूप में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया अर्नेस्ट, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, वैलेंटाइन शिरोल पर आपके लिए 3 अंक में मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, इस को आप ध्यान दीजिएगा। वैलेंटाइन शिरोल प्रसिद्ध समाचार संवाददाता या लेखक थे, इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन अर्नेस्ट और इन्होंने आर्य समाज तथा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, ये 3 बिंदु लिखिए, आपके 3 अंक पक्के। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार नर्मदा पुत्र के उपनाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार नर्मदा पुत्र के उपनाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपके सामने है। अगर आप ध्यान देंगे इस प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा अमृतलाल बेगड़। जी हाँ, अमृत नर्मदा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है हमारे अमृतलाल बेगड़ जी, ठीक है। अमृतलाल बेगड़ महत्वपूर्ण हिंदी और गुजराती भाषा के प्रसिद्ध लेखक, पर्यावरणविद एवं चित्रकार थे, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो चित्रकार है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसने बहुतों को डुबाया है इस बार, एक एक क्वेश्चन गलत किया है। अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है। अमृतलाल बेगड़ को साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2004 में मिला था। इनकी प्रमुख रचनाओं में तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृत से नर्मदा और नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ये आपको देखने को मिलेगा। ये है आपके सामने नर्मदा पुरुष अमृतलाल बेगड़, ठीक है। चलिए, अमृतलाल बेगड़ पर टिप्पणी 3 अंक और 5 अंक दोनों में पूछी जा सकती है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अगर आए तो लिखना है आपको, मैटर यही है। ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जन्म, जी ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ मिलेगा, आंसर आपका कर्नाटक, सही बात। ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। इनका वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली था, शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली। और जो देवास ज़िले से हैं वो जानते हैं कि देवास में इन्होंने, इनकी तबीयत खराब रहा करती थी तो स्वास्थ्य वर्धन के लिए देवास आए थे, फिर यहीं आकर ये बस गए। सोचिए, एक समय मालवा की जलवायु इतनी अच्छी मानी जाती थी कि इसको हिल स्टेशन के रूप में प्रयोग किया था इन्होंने, कुमार गंधर्व ने, ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।